सोशल मीडिया पर कल से ही खबरें सामने आ रही थी कि रश्मि देसाई बहुत जल्द लॉकअप के अंदर एंटर करने वाली हैं और हर तरफ ये स्पेकुलेशंस जो है वो आग की तरह फैल गई थी। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि फाइनली रश्मि देसाई ने खुद इस बारे में अपने फैंस को कन्फर्मेशन देते हुए क्या कहा है। वेल हेलो गाइज एंड वेलकम टू सनी स्पीक्स, मैं हूं ज्योति नाहक। अगर आपने अब तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है और अगर आप चाहें तो जाकर कर सकते हैं @ज्योति नाहक7 पर। आप सभी को बता दूं कि रश्मि बैक टू बैक बिग बॉस करती आई हैं, चाहे वो एज अ गेस्ट अपेयरेंस हो, कई सारे सीजन्स में एज अ गेस्ट आई हैं, वो अपने फ्रेंड्स के साथ आई हैं। सीजन 13 में वो फुल टाइम एज अ कंटेस्टेंट आई थी और उसके बाद सीजन 15 में वो एज अ वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट आई थी। तो अपना फेयर शेयर जो है इस सेम फॉर्मेट का वो निभा चुकी है। और इसी बारे में बात करते हुए, रिकॉर्ड स्ट्रेट करते हुए रश्मि देसाई ने ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज कर दिया है। रश्मि कहती है, दिस इज जस्ट टू सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट दैट कॉन्ट्ररी टू द रिपोर्ट्स आई एम नॉट joining lockup format as a contestant. I have done similar format show with Big Boss 15 and I'm quite happy with the current commitments that I have. But a full-time association to the show is not what I'm currently looking at. जी हाँ, यानी कि मैं full-time अपना commitment नहीं दे पाऊंगी इस वक्त. Rather, मैं अपनी life के उस space पे नहीं हूँ क्योंकि ऐसा same मैं already कर चुकी हूँ, so I won't be doing full-time. उसके आगे वो कहती है, yes, if there is a guest appearance I'm asked to make, I would love to do so for my fans. I would like if speculations around me joining lockup are verified before writing. जी हाँ, यानी कि आप लोग जब लिखते हैं तो लिखने से पहले आप मुझसे कंफर्म कर ले तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बट देर आर अ लॉट ऑफ एक्साइटिंग थिंग्स आई एम वर्किंग ऑन, सो स्टे ट्यून्ड। यानी कि इसके अलावा कई सारे ऐसे और प्रोजेक्ट्स हैं, इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स जिन पर मैं काम कर रही हूँ। वेल, रश्मि ने अपनी तरफ से क्लैरिफिकेशन दे दिया है, आपको क्या है कहना आप बताइए।